आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है जानकारी निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है इस वक्त सबसे बड़ी भर्ती जो है अपडेट से एक के बाद एक आप लोगों के लिए निकल के आया और इस वक्त की बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में 12,000 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम जो है कब होगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ सरकार माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के लिए अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। नए नए वैकेंसीज, नए नए भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं। स्टूडेंट के हित में नए नए फैसले लिए जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके और वो अपने सभी सपनों को पूरा कर सके। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए भूपेश बघेल सरकार जो है प्रतिबद्ध है, तत्पर है और एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है 12,000 पदों पर नए शिक्षक के पदों पर भर्ती वैकेंसीज निकल के आया। इस समय आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक जो है व्यापार में अनेकों वैकेंसी जो है आने वाला है, एक के बाद एक वैकेंसीज आएगा। तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज आपके हॉस्टल वार्डन का, छात्रावास अधीक्षक का। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट को तो लगता होगा कि सर इसके लिए तो भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। लिख कर रख लीजिए, 400 पदों पर ही हॉस्टल वार्डन का भर्ती होना है। तो हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो 12वीं पास हैं तो रोजगार पंजीयन अवश्य रूप से करा लीजिए। रोजगार पंजीयन अगर नहीं कराएंगे तो आप जो है गलती करेंगे, क्योंकि जब भी आप वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आपका सिलेक्शन होता है उस समय DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और वहाँ पर अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो रोजगार पंजीयन अवश्य रूप से करा लीजिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ADO के बारे में। तो ADO जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी के भी छत्तीसगढ़ में 250 पदों पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपकमिंग वैकेंसीज निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग आराम से जो है आवेदन आप कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। तो लास्ट तक वीडियोस को अवश्य रूप से देखिए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो कुल 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो व्याकरण आता है, हिंदी के व्याकरण आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तिनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है, तो ग्रामर्स भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स की बात करें तो इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें गणित के, मैथ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ से मैं आपका घातांक, बीजी, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से आपके मैथ से में
जानकारी पूछे जाते हैं। तो एमएससी की तैयारी करने के लिए हम जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से एमएससी की तैयारी करेंगे, एमएससी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको एमएससी गणित के बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए हम जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें विज्ञान साइंस की, जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवन से फैलने वाले रोग, खतरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी हमके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस के प्रिपरेशन करेंगे, तो साइंस के बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सामाजिक अध्ययन के, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इसे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD/DVD की जानकारी, गूगल, यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्यूटर से कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। इसके साथ संविधान की बात करें, तो इसके अलावा हम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी अच्छे से हो पाए। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज के लिए हम जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं हरिराम पटेल सर का, और आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोग उसी रिक्वेस्ट वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए।